छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की सराहना की है। राज्य सरकार के साथ चल रही बैठक समाप्त होने के बाद एनके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 3 दिन से छत्तीसगढ़ के सभी संबंधित पक्षों से विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कई दिशा में अन्य राज्यों की तुलना में सराहनीय कार्य कर रहा है और फिस्कल डेफिसिट 3% के भीतर है और जीडीपी के अनुपात की रेखा लक्ष्य के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ का जीडीपी 7.44 है। ये रेवेन्यू सरप्लस राज्य रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पीसीआई राष्ट्रीय औसत से कम है। सबसे चिंताजनक बात जो है वो पॉवर्टी रेशियो 39.9 है। ये चिंताजनक प्रश्न है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में प्रगति करने की जरूरत है। इसके लिए 2-3 कदम उठाने होंगे। विकास दर बढ़ाने होगा और सिंचाई में विकास करना होगा। नक्सलवाद को चुनौती बताते हुए कहा है कि यहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को काबू करने की चुनौती है और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मसलों पर कहा है कि सरकार को चिंता है कि मौजूदा प्रतिशत में 2 साल बाद जीएसटी 14% गारंटी रिटर्न खत्म हो जाएगी। 14% गारंटी को पूरे जो कार्यकाल तक लागू रहे और ये मांग सरकार ने की है। हम इसे जीएसटी काउंसिल में रखेंगे।